हे यू ऑल माय गॉर्जियस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब एकदम सेफ एंड फैमिली के साथ खूब मज़े से होंगे। सो जैसा कि आप लोगों की मुझे ऑलमोस्ट हर वीडियो पे ये रिक्वेस्ट आ रही है आजकल कि मीशो के वेलवेट कुर्ता सेट शेयर कीजिए, सो आज आपके साथ में वो ही शेयर करूंगी, एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग एंड दी बेस्ट क्वालिटी में आपके लिए आज लेकर के आई हूँ वेलवेट कुर्ता सेट्स की। साथ में आपको इसमें काफ़ी सारे पार्टी वेयर कुर्ता सेट्स भी देखने को मिलेंगे एंड एक दो पीसेज ऐसे हैं जो कि आप एज अ ऑफिस वेयर डेली वेयर भी यूज़ कर सकते हो, क्वालिटी इनकी दी बेस्ट है। मैंने पूरी कोशिश करी है जितने भी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग पीसेज मुझे वहाँ पे दिख रहे वो शेयर करूं, क्वालिटी रिव्यू इनके बहुत अच्छे हैं रेटिंग में मीशो पे, तो आप इसमें से कुछ भी जो हो आंख बंद करके पिक कर सकते हो। हाँ, एक दो चीज़ों में मुझे थोड़ा सा इशू रहा तो वो मैं आपके साथ पर्सनली इस वीडियो में शेयर करूंगी। कलर टोन्स अमेजिंग है, एकदम डिफरेंट कलर्स हर स्किन टोन पे जाने वाले हैं, तो मेरी तरफ से तो आज का जो हॉल पिटारा है वो दी बेस्ट होने वाला है। सभी प्रोडक्ट्स के जो डायरेक्ट मीशो लिंक्स हैं मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके की अच्छी अच्छी अफोर्डेबल इन बजट यू नो हॉल वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड ऐसे ही आप फैशन से अपडेटेड रहना चाहते हो या फिर फ्यूचर में या फिर आगे मतलब देखना चाहते हो फैशन हॉल वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मैं छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। अब चलिए जल्दी से चलते हैं आज का ब्यूटीफुल सा हॉल पिटारा चेक करते हैं। सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल से मेरे पर्सनल फेवरेट वेलवेट कुर्ता सेट से जिसकी क्वालिटी अमेजिंग रिसीव हुई है। आई थिंक ये सिंगल कलर ऑप्शन ही उसमें मुझे दिख रहा था मीशो में, रॉयल ब्लू कलर का, एंड दिस इज़ रियली वेरी रॉयल पीस। इसमें आपको कुर्ता दुपट्टा और इसका प्लाजो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कुर्ता। बहुत जगह आपने इसको देखा होगा, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिच लगता है वेयर करने पर। वेलवेट फैब्रिक है इसका जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कुछ लोग इसको वेलवेट बोलते हैं, कुछ शिनील बोलते हैं, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा इसका शेड है, बहुत रिच एंड रॉयल लगता है गाइज। ये वी नेक है इसका, ये डीप वी इस पर जो है पैच लगाया हुआ है, बट ये जो इसका एक्चुअली में जो कट है वो काफ़ी कम्फर्टेबल है। आप देख सकते हो पूरा पैच है जिसमें आपको हैवी सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा। ये देखिए, ये पूरा कुछ ऐसा काम है जो कि एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है एंड ये पूरा स्टिचिंग में है। एंड यस, इसके अंडरनीथ कंप्लीट कुर्ता में ना इन्होंने लाइनिंग दे रखी है, तो ये जितना भी पैच और सीक्वेंस का वर्क है ये आपको अंडरनीथ नहीं चुभेगा। सो ओवरऑल इसका लुक कुछ ऐसे है। बाकी इसका वी पैटर्न जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे भी आपको ये राउंड पैच मिल जाएगा जिसमें सीक्वेंस का और एम्ब्रॉयडरी का वर्क रखा है, पूरा जरी एम्ब्रॉयडरी वर्क है। सो ऑल ओवर इसका लुक कुछ ऐसे रहेगा। स्लीव्स इसमें दे रखी हैं इन्होंने, पाकिस्तानी स्लीव्स, कुछ ऐसी आपको स्लीव्स मिलेंगी इसकी। यहाँ पे आर्म पे जो है ऊपर आपको यही वाला जो है इन्होंने पूरा वर्क करके दिया हुआ है जिसमें सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, कुछ ऐसी इसकी स्लीव्स रहेंगी। एंड स्लीव्स के एंड पे भी हमको ये एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का वर्क देखने को मिल जाता है। सो ये स्लीव्स भी जो है काफ़ी प्रिटी लगती हैं। बाकी ये बीच में जो है आपको ये पूरा इस तरीके से मिल जाएगा। ये देखिए सॉलिड है और ये ए लाइन कुर्ता है, बीच में आपको पूरा सॉलिड शिनील का यू मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका, शाइन भी इसकी बहुत अच्छी है। एंड गाइस अगर हम बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड पे ये हमको पूरा प्लेन इसी तरीके से जो है ब्लू कलर का मिल जाएगा। नाउ ये ए लाइन कुर्ता है और इसमें जो मैंने आपको लाइनिंग बताई वो आपको वेस्ट तक मिलेगी, ताकि इसका ऊपर का जितना भी ये सीक्वेंस का और जरी का वर्क है ये आपको ना चुभे। कुछ इस तरीके से अंदर अटैच्ड आपको लाइनिंग मिल रही है वेस्ट लाइन तक, तो ये हो जाता है इसका ब्यूटीफुल सा कुर्ता। के साथ इन्होंने हमको दिया है एक पैंट जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, फुली इलास्टिकेटेड, सेम फैब्रिक का और शेड का रहेगा। ये देखिए कुछ ऐसा इसका जो है फिट रहेगा, ऊपर से काफ़ी कंफर्टेबल है ये और नीचे से जो है हमको कुछ इस तरीके का कट दे रखा है जिसमें ये पूरा पैच वर्क लगा रखा है इन्होंने। ये देखिए आगे से भी और पीछे से भी पूरा यही वर्क मिल जाएगा, साइड में ये पूरा पोर्शन कट डिटेलिंग में दे रखा है जो कि इसको एक स्मार्ट लुक दे देता है। तो ऑल ओवर इसकी पैंट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। एंड दुपट्टा इसमें रहेगा ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो कि फुल लेंथ और विड्थ में हमको मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, एक मिनट मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, ये देखो कुछ ऐसा इसका दुपट्टा है। ये हो जाती है इसकी विड्थ जिसमें हमको ये पूरा पैच वर्क है सीक्वेंस का और जरी वर्क का, एंड इसमें हमको यहाँ पे साइड पे भी पूरा लेंथ में यही वर्क देखने को मिल जाएगा। एंड बीच बीच में आप ये जो देख रहे हो ये फ्लावर मोटिव्स पूरे दुपट्टे में बीच में ऑल ओवर रहेंगे सीक्वेंस के कुछ ऐसे, तो इसका दुपट्टा रहेगा कुछ इस तरीके से। सो मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है, एकदम वर्थ है स्पेंड करना इस पर। इसको आप विंटर्स में कोई भी वेडिंग अटेंड कर रहे हो, कोई भी पार्टी वगैरह है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लगने वाला है, तो आप इसको सर्टेनली ट्राई करके देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। सो नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ब्यूटीफुल कुर्ती जो कि मैंने लास्ट वीडियो में पहनी थी और आपको बहुत पसंद आई थी। कुछ इस तरीके की है, वैसे तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हर जगह अवेलेबल है, बट मीशो पे ये मुझे बेस्ट प्राइस पे मिल गई तो मैंने वहाँ से पिक कर लिया। एंड ये है गो सिरकी ब्रांड की, जिसमें आपको और भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसका वाइट शेड तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो कुछ ऐसा राउंड नेक रहेगा, हल्का सा स्लिट है, एंड ऑल ओवर आपको ये
मशीन एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा वाइट कलर का, जो कि इसके पूरे फ्रंट पैनल पे रहेगा। ये देखिए कुछ ऐसे है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन ब्लेंड, बट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन फैब्रिक है। स्लीव्स की बात करें तो इसमें 3-4 स्लीव्स मिलेंगी, एंड स्लीव्स में भी हमको ये हैवी एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा, मशीन एम्ब्रॉयडरी जो कि पूरी ही स्लीव्स में है। ये देखिए कुछ ऐसे। बाकी इसकी जो साइड की स्लिट है ना, यहाँ पे हमको पूरा क्रोशे का वाइट कलर का लेस डिटेलिंग मिल जाएगा फ्रंट पे भी एंड बैक पोर्शन पे भी। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, इसकी परफेक्ट फिट आई है, एंड लुक इसकी हो जाती है कुछ ऐसी। सबसे नीचे इसके बॉटम पे हमको ये बड़ा वाला पैच वर्क मिल जाएगा, जिसमें अगेन ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है। तो ऑल ओवर ऐसा लुक है इसका, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल नीट एंड क्लीन वर्क हो रखा है इसमें, एंड बैक साइड पर एकदम सॉलिड रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि बैक साइड पर हमको ये क्रोशे की लेस डिटेलिंग मिल जाएगी दोनों तरफ, वाइट कलर का और ऑफ वाइट कलर का बॉटम वेयर इसके साथ बहुत अच्छे से जाएगा। एंड ये कलर बहुत ग्रेसफुल है, आप इसको जहाँ पे भी पहन के जाओगे ना, मतलब वाइट कलर के बॉटम के साथ पहनो या डेनिम के साथ, ये अमेजिंग लगने वाला है। इन बजट है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें। गाइस, मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल पार्टी वेयर ड्रेस शेयर करूंगी, जिसमें बहुत सारा तामझाम मिला है मुझे, एंड जैसा कि फोटो में दिख रहा था एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें इसमें मिली हैं। दो कलर्स अवेलेबल हैं, एक इसमें ये मोव कलर था, आई मीन यू नो पर्पल डार्क लेवेंडर सा कलर है, एंड इसके अलावा उसमें एक ब्राउनिश सा शेड था, तो मुझे ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये पिक किया है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यार, मतलब तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं इसका ब्यूटीफुल सा कुर्ता, जो कि कुछ इस तरीके से हमको जॉर्जेट फैब्रिक में मिल जाएगा, और इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन क्वालिटी का फैब्रिक है। वी नेक मिल जाएगा इसमें कुछ ऐसे, एंड पूरे योग पार्ट पे हमको ये हैवी एम्ब्रॉयडरी एंड जरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा। ये देखें कुछ ऐसा वर्क है जो कि कंप्लीट इसके योग पार्ट पे हो रखा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, एंड ये काफ़ी ग्रेसफुल लग रहा है। हमको ये मिलेगा स्लीवलेस सिचुएशन में, लेकिन इसके साथ इन्होंने जो है हमको ना स्लीव्स भी यू नो प्रोवाइड करा रखी है। ये देखो सेम फैब्रिक की जो है स्लीव्स के लिए इन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है, तो अगर आप यू नो स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं हो, आप इसको जो हो टेलर से स्टिच करवा सकते हो, स्लीव्स बनवा सकते हो। तो एक तो इसका ये तामझाम था स्लीव्स वाला, तो इसकी लुक जो है वो कुछ ऐसी है, एंड ये पूरा नायरा कट पे हमको मिल जाएगा, वो वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट आएगा। एंड उसके बाद जो है इसमें आपको ये ना प्लीटेड पैटर्न मिल जाएगा, एंड ये फ्रंट पैनल पे जो इन्होंने फैब्रिक लगाया है ये पूरा फुल सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी का है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसका, एंड साइड में इसमें फ्रंट साइड पे ही सिर्फ ये वाला पैच वर्क जो है इन्होंने पूरा कंप्लीट नीचे तक लगाया हुआ है, जिसमें कि जरी एम्ब्रॉयडरी एंड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा। ये देखिए नीचे तक, सो इसकी लुक जो है फ्रंट में कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एंड ये ऑलमोस्ट फ्लोर लेंथ है गाइज, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखिए नीचे तक ये फुल सीक्वेंस का वर्क हमको मिल रहा है, एंड सबसे लास्ट पे भी हमको यही पैच वर्क मिल जाएगा इसके फ्रंट पे, जैसे कि इसकी साइड स्लिट में था। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन फैब्रिक है, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है। इसके सीक्वेंस की जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, एंड बैक साइड पे जो है हमको ये पूरा प्लेन मिलेगा प्लीटेड पैटर्न में कुछ ऐसे। यहाँ पे जो है इन्होंने हमको ना लाइनिंग प्रोवाइड करा रखी है वेस्ट तक, आप देख सकते हो सेम शेड की है, तो ये ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू भी नहीं रहेगा, कुछ ऐसी लाइनिंग प्रोवाइडेड है। एंड साइड में जो है इसकी वेस्ट में इन्होंने यहाँ पे ये डोरी दे रखी है टैसल वर्क के साथ, तो आप चाहो तो इसको यू नो साइड साइड पर नॉट कर सकते हो एक अच्छी फिट देने के लिए। तो ये हो जाता है इसका ब्यूटीफुल सा गाइस गाउन, या फिर आप कुर्ता बोल सकते हो। तो इसके साथ इन्होंने ना ये दे रखी है बेल्ट, तो ये बेल्ट जो है आपको पता ही है कि यहाँ पे ऐसे आपके बीच में बन जाएगी, तो आप दुपट्टे को अकॉर्डिंगली ना कैसे भी कैरी कर सकते हो, एंड ये इसकी ज़्यादा ग्रेस को भी बढ़ा देती है। इसमें भी सेम यही हमको जो है पैच मिल जाएगा, जैसे कि उसकी साइड पे पूरा एम्ब्रॉयडरी और जरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क था, साथ में टैसल वर्क है। तो एक चीज़ तो इसके साथ ये मिली है ना, इसके साथ ना एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका जो बॉटम वेयर है वो फुली इलास्टिकेटेड है, एंड इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है, जॉर्जेट फैब्रिक का ही है, एंड इसकी फिट भी काफ़ी कंफर्टेबल आई है। आप देख सकते हो कि कुछ इतना इसका फ्लेयर हो जाएगा, एंड अंडरनीथ इसमें हमको दे रखी है लाइनिंग कुछ ऐसी जो कि पूरी स्टिच्ड है, तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं रहेगा। एंड इसमें इन्होंने लाइनिंग नहीं दी थी कुर्ते पे, क्योंकि नीचे से आपका सेम शेड का ना बॉटम वेयर आ जाएगा, सो नो सेंस, ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं रहेगा, एंड कंफर्टेबली आप वेयर कर सकते हो। तो ये हो जाता है इसका बॉटम वेयर, एंड साथ में इसके जो हमको मिला है दुपट्टा गाइज वो फुल लेंथ और विड्थ का है। ये देखिए कुछ ऐसा इसके यहाँ पे आपको ये पूरा जरी का जो है थ्रेड वर्क मिल जाएगा लेस का, ये देखिए कुछ ऐसे, जो कि पूरी लेंथ और विड्थ में रहेगा, बीच में ये पूरा सॉलिड कलर का रहेगा जॉर्जेट फैब्रिक में ही। ये तो ये हो जाता है इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। सो पर्सनली मुझे ये सेट बहुत अच्छा लगा, ये कलर बहुत अच्छा लगा, एंड आप देख सकते हो ट्राई ऑन में। तो अगर आप वेडिंग सीजन में कुछ भी यू नो एक स्मार्ट पीस देख रहे हो जो कि इन बजट हो और ट्रेंडिंग हो, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर करके देखना, आपको बहुत।
गाइस नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगे एक अनारकली गाउन या फिर ऐसा कुर्ता बोल सकते हो, जो कि आपको टू कलर्स में अवेलेबल है। इसमें पिंक एंड ब्लू, ग्रीन ब्लू टाइप्स का एक कलर था, एक वो था। तो इस कुर्ते का ना थोड़ा सा पैटर्न मुझे डिफरेंट रिसीव हुआ है, एंड देन इन्होंने मुझे साइज भी रॉन्ग भेजा है। मैंने इसमें लार्ज साइज ऑर्डर किया था और मुझे मिल गया है डबल एक्सेल। तो समहाउ मैं आपको इसको टक करके दिखा दूंगी कि ये वेयर करने के बाद कैसा लगता है। फैब्रिक की अगर बात करें तो इसका कॉटन रेयन फैब्रिक रहेगा, मिक्स में है कॉटन रेयन मिक्स। तो राउंड नेक है इसका कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे हमको पैचवर्क मिल जाएगा जिसमें फुल सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी का वर्क आप देख रहे हो। साथ में हमको ये वाला जो है गोटापट्टी की लेस डिटेलिंग मिल जाएगी इसके साइड पे। तो आप देख सकते हो एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है। यहाँ पे बीच में फॉल्स मिरर की भी डिटेलिंग है। सो ओवरऑल इसका लुक कुछ ऐसे रहेगा ना। उसमें जो फोटो में दिख रहा था ना, उसमें इसमें साइड्स पे जो है इन्होंने डोरी वर्क और यू नो टैसल वर्क दे रखा था, बट ये एकदम प्लेन रिसीव हुआ है। इसमें कहीं से कोई डोरी या फिर टैसल वर्क नहीं है, तो जस्ट एक ये ही इसमें जो है चीज़ मिसिंग है, और साथ में इन्होंने साइज भी रॉन्ग सेंड किया है। तो इसकी लुक कुछ ऐसी रहेगी। पूरा सॉफ्ट एंड काफ़ी अच्छा ब्रीदेबल फैब्रिक है ये, जिसमें हमको ये वाला पूरा प्रिंटिंग पैटर्न मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड 3/4 स्लीव्स मिलेंगी इसमें। साइड पे हमको यही वाली जो है स्लीव्स में लेस डिटेलिंग दिखने को मिल जाएगी। नाउ वेस्ट तक एक्सेल के हिसाब से इसकी जो फिट है वो कुछ इस तरीके के दे रखी है, जो कि आप लोगों को जिसका भी डबल एक्सेल साइज़ है या इसको देख के लग रहा है कि ये साइज़ के अकॉर्डिंगली एकदम सही रहेगा। एंड नीचे जो है इसमें इन्होंने कलीदार घेर दे रखा है। इसका फ्लेयर कुछ इतना है जो कि काफ़ी ज़्यादा यू नो कंफर्टेबल लग रहा है। बहुत बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, कंफर्टेबली आप इसको वेयर कर पाओगे। एंड नीचे सबसे लास्ट में इसके पूरे ही घेर पे हमको ये वाली जो है लेस डिटेलिंग मिल जाएगी गोटा पट्टी की। लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है और आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा है। एंड येस इसका शेड वाइट ज़रूर है, बट ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू नहीं है। इसके साथ पिंक कलर का बॉटम वेयर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो वाइट कलर का भी चल जाएगा। बाकी बैक साइड पे हमको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा, ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक कुछ ऐसा। सो काफ़ी अफोर्डेबल है ये, एंड कलर कॉम्बिनेशंस एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। इट्स जस्ट दैट अगर साइज़ ठीक भेज देते तो मेरे को और भी अच्छा लगता। साइज इसमें डबल एक्सेल दे दिया, एंड देन इसमें टैसल वर्कर वो नहीं थे, बट स्टिल अगर आप लोगों की विशलिस्ट में ये वाला कुर्ता है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेलवेट सेट, जिसमें दुपट्टा नहीं है, तो आप इसको एज अ कॉट सेट भी मान सकते हो या फिर एज अ कुर्ता सेट बोल लो, बट ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। 3-4 कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, तो मैंने इसमें ले लिया ब्लैक कलर, जो कि बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहा है। कुछ इस तरीके से हमको शनील फैब्रिक में मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड नेक के साथ हल्की सी स्लिट है, और बहुत ही हैवी सीक्वेंस का और जरी का वर्क मिल जाएगा इसमें हमको गोल्डन कलर का। ये देखिए ये पूरा वर्क इसमें कुछ ऐसे दे रखा है, एंड इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है। ऑल ओवर भरा हुआ पूरा काम दे रखा है, आप देख सकते हो इतना सारा जो है हमको वर्क दिखने को मिलेगा। सो जैसा कि मीशो में कैटलॉग में दिख रहा था फोटो पे, ये एज इट इज़ रिसीव हुआ है, पूरा काम एज इट इज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल एंड फाइन लग रहा है। एंड अगर हम इसकी स्लीव्स की बात करें तो इसमें 3/4 स्लीव्स दे रखी हैं, कुछ ऐसी कट डिटेलिंग है इसकी स्लीव्स में, एंड यहाँ पे भी हमको ये हैवी वर्क दे रखा है। ये देखिए कुछ ऐसा सीक्वेंस का और जरी का वर्क जो कि इसकी स्लीव्स में आगे और पीछे दोनों तरफ रहेगा। ये जो है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, एंड ऑल ओवर लुक जो है इसकी कुछ ऐसी आएगी। शॉर्ट लाइन कुर्ता है, नीचे आपको एकदम सॉलिड कलर का मिलेगा, एंड अंडरनीथ इसमें हमको ना लाइनिंग अटैच्ड दे रखी है, आप देख सकते हो कुछ ऐसी इसमें लाइनिंग है। एंड इसके बॉटम पे जो है सबसे लास्ट में हमको ये वाला जो है समोसा लेस मिल जाएगा गोटा पट्टी का, जो कि सिर्फ फ्रंट पैनल पे ही है। और अगर हम बात करें इसके बैक साइड की, तो वो रहेगा एकदम प्लेन ब्लैक कलर का। ये देखिए फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड ये काफ़ी रॉयल लगता है वेयर करने के बाद। इसमें और भी कलर ऑप्शंस हैं, आपको जो पसंद आता है आप ट्राई कर सकते हो। इसके साथ इन्होंने जो बॉटम वेयर दिया है वो फुली इलास्टिकेटेड रहेगा, ब्लैक कलर का ही फैब्रिक इसका सेम है, एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। पैंट स्टाइल में है, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ये देखिए बिल्कुल भी टेपर्ड नहीं है, आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो, एंड स्मार्ट लगता है ओवरऑल वेयर करने के बाद। तो आप ट्रायल में देख सकते हो, आपको इसका जो भी शेड पसंद आता है आप डेफिनेटली ग्रैब कीजिए इस विंटर सीजन में, अगर आप गॉर्जियस लगना चाहते हैं। आपके साथ शेयर करूंगे एक कुर्ता सेट कुछ इस तरीके का, इसकी भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन मिक्स है, कॉटन एंड रेयन मिक्स टाइप्स का है, एंड ये काफ़ी इन बजट है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। ये राउंड नेक है इसमें, एंड फ्रंट में आपको पूरा पैच वर्क मिलेगा जिसमें सीक्वेंस का और जरी वर्क मिल जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है ये, एंड इसमें आपको ये वाला कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इसमें आपको ना काइंड ऑफ ये ग्रीन ब्लू कलर सा है, सैन कलर है, एंड लाइम कलर है वाइट बेस के ऊपर, कुछ ऐसा। स्लीव्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमको 3/4 स्लीव्स मिलेंगी, यहाँ पे भी हमको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी, एंड ऑल ओवर लुक इसका कुछ ऐसे है। फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा यू नो ग्रेसफुल लगता है वेयर करने के बाद। बाकी नीचे आप देख सकते हो पूरा स्ट्रेट फिट का है, एंड कुछ इस तरीके का इसमें पूरा फैब्रिक प्रिंट जाएगा, तो आप इसको घर पे हैंड वॉश कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट है, एंड बैक साइड पे जो है हमको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा। तो ये हो जाता है गाइस ब्यूटीफुल साइज का कुर्ता। इसके साथ जो
हमको पैंट मिल रही है, आई मीन बॉटम वेयर, वो भी कॉटन ब्लेंड में रहेगा, फुली इलास्टिकेटेड, एंड साइड में जो है इसमें हमको मिल जाएंगी पॉकेट्स दोनों ही तरफ। ये देखिए काफ़ी अच्छी डेप्थ है इसकी, कुछ इस तरीके से ये ग्रीन शेड में रहेगा। एंड ये जो है कुछ ऐसी फिट में आ जाएगा, नीचे से हल्का सा टेपर्ड है बट ये काफ़ी स्मार्ट लुक देता है एंड कम्फर्टेबल है वेयर करने पर। तो ये हो जाएगा इसका कॉन्ट्रास्ट में बॉटम वेयर। एंड दुपट्टा जो है सेम शेड का आपको मिलेगा जैसे बॉटम वेयर था शिफॉन फैब्रिक में। ये देखिए कुछ ऐसा फुल लेंथ एंड विड्थ है इसके दुपट्टे की, कुछ इतनी जो है इसकी हो जाएगी विड्थ एंड लेंथ भी पूरी है। यहाँ पे हमको ये पूरी जो है इन्होंने गोटापट्टी की लेस डिटेलिंग दे रखी है चारों ही कोनों पे। फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है और आप देख सकते हो ऑल ओवर ये वेयर करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन बजट है। तो अगर आप किसी को एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन कुछ लेना चाहते हो तो इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। आपके साथ शेयर करूँगी एक ब्यूटीफुल सा अनारकली कुर्ता जो कि आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, कॉटन रेयन फैब्रिक में है ये। एंड इसकी लुक जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लगती है। यहाँ पर आपको राउंड नेक मिलेगा, पैच वर्क मिल जाता है फ्रंट में जिसमें फुल सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी, जरी एम्ब्रॉयडरी है एंड फॉल्स मिरर का डिटेलिंग है। साइड में आपको दे रखी है गोटापट्टी की डिटेलिंग, तो इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी। बाकी ये जो आप पूरा प्रिंट देख रहे हो ये फैब्रिक प्रिंट है जो कि थ्रू आउट कुर्ते पे यही रहेगा। स्लीव इसमें आपको 3/4 मिलेंगी एंड स्लीव के एंड पे हमको ये गोटापट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है, देखिए कुछ ऐसे। नाउ गाइस ये जो है वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट है एंड उसके बाद जो है इसमें अच्छा खासा कलीदार घेर आपको मिल जाता है। साइड में ये डोरी दे रखी है टैसल वर्क के साथ, तो आप इसको पीछे से नॉट करके जो हो एक अच्छी सी लुक दे सकते हो। एंड नीचे इसका घेर आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, फ्लोर लेंथ कुर्ता है ये। मेरी हाइट 5'4" है सो उसके अकॉर्डिंगली मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। नीचे हमको ये टायर्ड पैटर्न दे रखा है जो कि इसको और भी अच्छा एक फ्लेयर दे देता है। ये देखिए कुछ इतना इसका फ्लेयर हो जाएगा। एंड ऑल ओवर अगर हम लुक की बात करें तो इसकी कुछ ऐसी रहने वाली है, काफ़ी ग्रेसफुल लगता है। अगर स्टिल इसके साथ आप कुछ बॉटम वेयर पेयर करना चाहते हो तो इसके साथ ऑफ वाइट कलर का बॉटम वेयर बहुत अच्छे से जाएगा। एंड बैक साइड पर भी हमको ये पूरा इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिलने वाला है। तो यस, अगर आपको ये कुर्ता पसंद आता है, ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, आप इसको ट्राई करके देखो अपने लिए या फिर किसी को गिफ्टिंग पर्पज से भी, एकदम परफेक्ट पीस है। सो गाइस आई रियली होप कि आज का वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। एंड इसी तरीके के अच्छे अच्छे लेटेस्ट कलेक्शन मैं आपके लिए जल्दी से लेकर के आऊँगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट ऑल वीडियो, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड। सी या।